नमस्कार भक्तों, श्रावणी मेला और देवघर कांवड़ यात्रा को लेकर बहुत ही बड़ी खबर। जी हां, 2022 में कैसी होने वाली कांवड़ यात्रा और श्रावणी मेला, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली। तो ब्रेकिंग न्यूज है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख ले, इसमें आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप शिव के भक्त हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि कांवड़ यात्रा 2022 की पल पल की खबर आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी श्रद्धालु इस चैनल के साथ जुड़ सके, और वो भी कांवड़ यात्रा 2022 की श्रावणी मेला और देवघर से लेकर हरिद्वार तक की सारी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी और वो हमेशा अपडेट रहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको देते हैं पूरी जानकारी। तो भक्तों, सबसे पहले आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि आप इस साल कहाँ से कहाँ तक की कांवड़ यात्रा ले जाने वाले हैं, आप कहाँ से गंगाजल लाने वाले हैं, कमेंट्स करके बताइए ताकि सभी भक्तों को इसकी जानकारी हो सके। तो चलिए अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। पिछले 2 वर्षों से कोरोना कारण लगे लॉकडाउन की वजह से भारत का सबसे बड़े मेले में शामिल श्रावणी मेला नहीं लग पाया था। वहीं इस वर्ष श्रावणी मेले के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, लगातार मंदिर का निरीक्षण के दौर चल रहे हैं। वहीं पब्लिक पुलिस के बीच आपसी तालमेल को बढ़ाने के लिए मंगलवार को जिला पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों के ने फ्लैग मार्च निकाला। बता दें कि हर साल सावन के महीने में झारखंड के देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम में बड़े स्तर पर श्रावणी मेला का आयोजन किया जाता है और बहुत ही धूमधाम से भय तरीके से कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। लेकिन पिछले 2 सालों से इस पावन पर्व पर कोरोना नाम का ग्रहण लगा हुआ था। सभी सरकारों ने अपने अपने राज्य में पूरी तरीके से कांवड़ यात्रा को बैन कर दिया था। हालांकि साल 2022 शिव भक्तों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। बताया जा रहा है कि इस साल देवघर में श्रावणी मेले का आयोजन धूमधाम से किया जाएगा। इसके लिए देवघर जिला प्रशासन राजकीय श्रावणी मेला 2022 की तैयारी में अभी से ही जुट गया है। बता दें कि सावन के महीने में दूर दराज से लोग कांवड़ लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम या और देवघर पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ को गंगा जल चढ़ाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हर साल सावन के महीने में यहाँ विशाल मेला लगता है, दूर दूर से लोग बाबा को जल चढ़ाने आते हैं। बैद्यनाथ धाम की पवित्र यात्रा श्रावण मास में यानी कि अगस्त से जुलाई के बीच में शुरू होती है। सभी श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा का जल लेकर लगभग 100 किलोमीटर की अत्यंत कठिन पैदल यात्रा कर बाबा को जल चढ़ाते हैं। बाबा बैद्यनाथ का मुख्य मंदिर सबसे पुराना है, जिससे आसपास अनेक अन्य मंदिर भी बने हुए हैं। बाबा भोलेनाथ का मंदिर माता पार्वती से मंदिर से जुड़ा हुआ है। वहीं बात करें श्रावणी मेले की, तो श्रावणी मेले को लेकर 60 जवानों की 2 टुकड़ी फ्लैग मार्च कर रही है, जिसमें पहली टीम देवघर और दूसरी टीम ने दुमका के बसुकीनाथ में फ्लैग मार्च किया। यह फ्लैग मार्च श्रावणी मेले के मद्देनजर किया गया है। लगातार 7 दिनों तक अलग अलग तरह से पब्लिक पुलिस आपसी समन्वय बैठाने का कार्य कर रही है, जिससे श्रावणी मेले में कोई परेशानी न आ सके। बताया जा रहा है कि फ्लैग मार्च पब्लिक पुलिस में आपसी समन्वय बैठाने और असामाजिक तत्वों के लिए अलर्ट है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में फोर्स के द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी। तो भक्तों, आपको कहां से कहां तक कांवड़ ले जाना है, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अगर आप शिव के भक्त हैं तो इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आप हमें बताइए कि इस साल आप कहां से कहां की कांवड़ यात्रा करने वाले हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और कांवड़ यात्रा में ज़रूर जाएँ। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।